तादर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में लैके संगत काफ़ी उत्साह नगर कीर्तन सजाए गए हैं। तो इसे लैके गुरु की नगरी अमृतसर भी नगर कीर्तन सजाया गया। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब के मद्देनज़र श्री अकाल तख्त साहिब तो अलौकिक नगर कीर्तन सजाया गया, जिस दे विच फुलां दे नाल वर्खा की गई। तो वड्डी गिणती दे विच संगत ने गुरु घर दे विच नतमस्तक हो के गुरु घर दी खुशियां प्राप्त कीतियां ते इलाही बाणी जिहड़ी आ उह सर्जन कीती। तो दस दी कि तस्वीर ने अमृतसर दियाँ जिते कि विशाल नगर कीर्तन सजाया गया। शहर के वक् वक् इलाकों के विचों ये नगर कीर्तन निकलिया ते गुरु घर दियाँ संगत ने खुशियां प्राप्त की। पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब देशा विदेशा दे विच बहुत ही वड्डे पद्धर से मनाया जा रहा है। तो उसे नूं लै के अज सचखंड श्री हरिमंदर साहब और श्री अकाल तख्त साहब तो श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित अलौकिक नगर कीर्तन सजाया जा रहा है। तो तस्वीर तुसीं देख सकते हो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया हेठ जिहड़ा इह अलौकिक नगर कीर्तन है जिहड़ा उह शुरू होण जा रहा है। तो खास तौर पर श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह जिहड़े वा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं जिहड़ा लैके जिहड़ा वा उह पालकी दे विच आ रहे ने। तां खास तौर पर गुलाब के फुलां दे नाल जिहड़ा वा उह सजावट की गई है। तो खास तौर पर जिहड़ा पंज प्यारियां दी अगवाई दे हेठ इह अलौकिक नगर कीर्तन जिहड़ा सजाया गया है। तो खास तौर पर फुलां दी जिहड़ी वा उह वर्खा की जा रही है। तो श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब नूं लैके श्री अकाल तख्त साहब तो जिहड़ा इह अलौकिक नगर कीर्तन है वह शुरू होना है। तो ये अलौकिक नगर कीर्तन शुरू हो के सचखंड श्री हरिमंदर साहब के जिहड़े बाजार ने ते सचखंड श्री हरिमंदर साहब के आले दुआले के बाजारों के जाएगा। तो खास तौर पर तुसीं देख सकते हो कि वड्डी गिनती दे विच जिहड़ा संगतां श्री अकाल तख्त साहब विखे जिहड़ा पहुंचियां ने। तो खास तौर पर जिहड़ा इह नगर कीर्तन अलौकिक नगर कीर्तन जिहड़ा सजाया जा रहा है तो उसके उत्ते जिहड़ा वा उह फुलां दी वर्खा जिहड़ी वा उह कीती जा रही है। देख सकते हो अंदर तस्वीर अलौकिक नगर कीर्तन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब को लेके जिहड़ा है सजाया है। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब तो जिहड़ा यह नगर कीर्तन जिहड़ा वा सजाया गया है। वड्डी गिणती दे विच लखां दी तादाद दे विच संगतां जिहड़ियां वा सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जिहड़ियां नतमस्तक होण लई पहुंचदियां ने। तां उत्थे ही श्री गुरु नानक देव जी का जिहड़ा प्रकाश पुरब जिहड़ा वा मनाया जा रहा है उसनूं लैके इह अलौकिक नगर कीर्तन जिहड़ा वा उह सजाया गया है। तो पालकी साहब दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी शोभत ने। तो पंज प्यारे की अगवाई दे हेठ जिहड़ा इह नगर कीर्तन जिहड़ा वा उह सजाया गया है। तो इह नगर कीर्तन की फुलां दे नाल जिहड़ा वा उह वर्खा की जा रही है ते स्वागत किया जा रहा है। तो खास तौर पर इस मौके जिहड़ा वा उह संगतां दे नाल अते जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह नाल भी गलबात करांगे कि आखिर की कहना चाहुंदे ने। जगत गुरु साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश पुरब 27 नवंबर को समुचे संसार में बहुत श्रद्धा और सत्कार सहित मनाया जा रहा है। इस संबंध में अज सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री अकाल तख्त साहब जी तो सतगुरु जी की छत्र छाया हेठ पंज प्यारे साहबान की अगवाई में विशाल नगर कीर्तन आरंभ होया है और 27 नवंबर को सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के सतगुरु का प्रकाश पुरब बहुत ही श्रद्धा और सत्कार सहित मनाया जाना है। समुचे संसार भर में वसदी हुई संगतों को सतगुरों के प्रकाश पुरब दिया बहुत बहुत बधाइया हो। जो सतगुरों ने सारों पावन पवित्र उपदेश प्रकाश किया है बख्शिश किया है उस उन्होंने उपदेशों की धारनी हुई है सतगुरों वालों बख्शिश की मार्ग से चलता सारे अपने यत्न करिए। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी का फतह।